हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? कैसा लगा आपकी चौथी पारी का पेपर और आज की दूसरी पारी का पेपर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं भाई। हाँ, कैसा लगा आपका पेपर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। हाँ, कट ऑफ भी जल्दी जारी करेंगे, कई पूछ रहे हैं। हाँ, कट ऑफ भी 4 पेपर 1/11 तारीख को और लग जाए, उसके बाद में निकालेंगे। पहले इन चार चार पर चार जो पेपर लगे हैं अभी तक, उनका एनालिसिस आपको जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो हाँ भाई, सभी का हार्दिक स्वागत है परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन 5 तारीख का जो दूसरी पारी का पेपर था वो लेकर आए हैं, तो टीम परिष्कार आपको पूरा पेपर 150 के 150 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएगी। उससे पहले थोड़ी सी 2 मिनट आपके सामने टीम रूबरू हो रही है, उससे 2 मिनट पहले मैं आपका समय लेता हूं और कल से जो नए बैच शुरू हो रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। कल से अपने दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीईटी, फाउंडेशन, ठीक है, और सीईटी के बाद में जैसे एलडीसी वगैरह के बैच है वो सारे के सारे कल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और कुछ बैच है जैसे आईए का बैच है, सूचना सहायक का जो बैच है वो 8 तारीख से बुधवार से शुरू हो रहा है, और उसके बाद में नेक्स्ट बैच है वो अगले वीक 12 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन तो परिष्कार क्लासेस सरदार सर में आपका हार्दिक स्वागत है, और ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म परिष्कार क्लासेस सरदार सर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें आज ही प्ले स्टोर पर जाकर। आपको पता है कि टीम इतनी शानदार मेहनत कर रही है, तो देखो कुछ भी कोई भी चीज हो हम उसको शुरुआत कर सकते हैं, उसको अर्श से आसमान तक ले जाने में आप ही का सहयोग रहेगा। तो आप मतलब उसको कंटिन्यू करने के बाद में उसको कितनी प्रोग्रेस देते हो वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि चीज जब भी कोई चीज का मोटिवेशन आता है, हम कोई नई शुरुआत करते हैं, हमारी टीम में एक आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट, यही तो हमारी एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी डोज है, तो इसमें कमी मत रखो। इसमें अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चीज को शेयर करें, और हम कोई चीज आपको और चीज बढ़िया चीज और एजुकेशन में चाहिए तो आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कॉल करके, हम आपके लिए तैयार हैं। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, हाँ, कल से नए बैच शुरू हो रहे हैं, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ आपको, कल से ऑफलाइन नए बैच शुरू हो रहे हैं, जो कि सारे के सारे बैच है वो अपने ऐप पे भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलेंगे। तो आप परिष्कार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर से हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो हाँ भाई, ठीक है, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले आपके सामने हिंदी के मैम को बुलाना चाहूंगा कि सबसे पहले वो हिंदी के पेपर आपके सामने सॉल्यूशन कराए, हिंदी का पेपर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जी नमस्कार सभी को। और आज जैसा कि आपके सामने है पेपर, चौथी पारी का पेपर आपके सामने, ठीक है, और मैं आपको हिंदी के प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने पेपर दिया है उनको वाकई में पेपर दे करके बड़ी खुशी हुई होगी, और हम खुद खुशी महसूस कर रहे हैं प्रश्नों को देख करके। मैं हिंदी वाले प्रश्नों की सबसे पहले बात करती हूँ। प्रश्न सबसे पहले आपके सामने हिंदी का जो प्रश्न है, आप अपने पेपर का मुझे नहीं पता कौन सा है, कोड वगैरह क्या रहेगा, लेकिन आप प्रश्न में जैसे बोलूँ आप उस प्रश्न पर जा करके अपना हिंदी के जो प्रश्न है उनका सबसे पहले मिलान करेंगे। जी पेपर लेकर तैयार रहें। हाँ आप अपना पेपर लेके बैठे जी। गुड इवनिंग पूरे सारण की तरफ से, गुड इवनिंग, राम राम, सभी का स्वागत है।
जी प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना पेपर जो है, हाँ पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर आया है, 13 नंबर प्रश्न सबसे पहले जो यहाँ पर है, हालांकि ये इंग्लिश अंग्रेजी भाषा की तरफ से हो सकता है, लेकिन मेमो का यहाँ पर पूछा गया है, मेमो के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो मेमो जो है यहाँ पर किसका हो जाएगा, ज्ञापन का। जिस भी विद्यार्थी का प्रश्न पत्र है उसका ये उत्तर जो है वो बिल्कुल है। सबसे पहले 13 नंबर, ये हिंदी का भी है, वैसे अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन हमारे पारिभाषिक शब्दावली, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो हिंदी का आपके आया है, जी 57 नंबर का प्रश्न आपके रहेगा, सीधा 57 नंबर से आपका प्रश्न है। 57 नंबर पर आप देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं, कौन सा समास पूछा गया, द्वंद्व समास नहीं है। आपसे क्या पूछा है, तो 4 विकल्प जो है उनमें से 3 जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण, 1 नहीं है, ये देखिए आप। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ कर्मधारी समास, किस समास का उदाहरण है, कर्मधारी समास का उदाहरण है। यहाँ क्या दे रखा है, देखो बच्चों कंद मूल, कंद और मूल, जीवन मरण, जीवन और मरण, दाल और रोटी, ये तो बहुत आसान है। यहाँ जो है जिसने भी ये किया ना दूसरे नंबर का, ये कंद मूल, कंद और मूल के लिए शुभ आगमन, यहाँ पर क्या है, शुभ विशेष्य है और आगमन किसकी विशेषता बता रहा है, आगमन की विशेषता बता रहा है, आगमन या विशेष्य और शुभ यहाँ पर क्या है, विशेषण, ये कर्मधारी समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपके रहेगा 62, 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, क्या पूछा है, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है सौदामिनी, इसका शुद्ध रूप पूछा है, ये किसका पर्यायवाची है, तो बिजली का, सौदामिनी पहला पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, और किसका पर्याय है, ये बिजली का पर्याय है, का पर्याय है बिजली का। ठीक है, इसमें आपको केवल शुद्ध रूप पूछा गया था, सौदामिनी है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 74 आपसे पूछा गया है, अब तक जितने पेपर हुए हैं क्रिया से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं पूछी जा चुकी हैं। अब क्रिया के जो अर्थ के आधार पर भेद हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, 8 भेदों में से प्रश्न पूछा जा सकता है आने होने वाले पेपर में। पूछा है अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनाव, आपको बार बार बताया गया है क्रिया को कैसे छांटना है, आपको प्रश्न से प्रश्न करना है, क्या और कैसे, कैसे जो भी वाक्य आपके सामने आप क्या लगाएंगे, उत्तर नहीं मिल रहा कैसे लगाएंगे, दोनों से ही उत्तर नहीं आ रहा है, क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, हेमलता हंसती है, पहला पहला जो होगा आपका वाक्य हो जाएगा इसमें अकर्मक क्रिया का, इनमें सब में उत्तर आ रहा है, माता जी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, वह शाम से क्या लिखवाता है, पत्र लिखवाता है, पूजा क्या कर रही है, तो पूजा कर रही है, यहाँ हमें क्या से उत्तर मिल रहे हैं, यहाँ क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। बेहद आसान से प्रश्न, जिसको थोड़ा सा तरीका आता है उसके लिए बेहद आसान प्रश्न है, तो पहला पहला उत्तर हो जाएगा हेमलता हंसती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो देखिए, और आप लोग ये तो देख ही रहे होंगे जो पेपर दे रहे हैं या जो घर बैठे भी पेपर देख रहे हैं, कि जो मॉक टेस्ट आपके रहे हैं उनके 250 प्रश्न और 200 प्रश्न आपके जो मैराथन से आए थे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, मैं एक आज जो प्रश्न आया था अलुक तत्पुरुष का उसको छोड़ करके एक भी प्रश्न नहीं है जो करवाया उसके इर्द गिर्द ना आयो। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों में प्रश्न गलत होगा, यहाँ पर सब भ्रमित हुए हैं। सबसे पहले देखो ज्ञापन के विषय में असंगत कथन पूछा गया है, कौन सा कथन पूछा गया है, असंगत। मैंने आपको बार बार बताया था ज्ञापन जो होता है वो अनेक विभागों में होते हैं, यहाँ सबसे पहले एक ही मंत्रालय या विभाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत असंगत उत्तर, यानी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100
सबसे पहले छाण में प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया आपको कुछ नहीं देखना है जिसमें भी आपको समझ में नहीं है, आई और औ की मात्रा जहां पर भी दिखाई दे जाए, ये मैराथन में भी मैंने आपको बताया था मॉडल प्रश्न पत्र में, आई और औ की जहां भी मात्रा दिखाई दे यदि उसमें कोई और संधि नहीं हो रही है तो वह किस संधि का होगा, वृद्धि संधि का होगा। यहाँ पर आपको संधि का नाम ना पूछ करके संधि विच्छेद पूछा गया है, बेहद आसान सा है, एक धन एक क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। बिल्कुल आप साथ साथ में कमेंट कर रहे हैं, पेपर में कोई दम ही नहीं, अच्छा दम है नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी बेहद अच्छी हो गई है जी। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 100 नंबर का, क्या पूछा है अगला प्रश्न, पूछा है मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न पढ़ने में बहुत ध्यान देना है, जिस भी बच्चे ने ये मयूर किया है उसने ये पढ़ा है कि मोर का पर्यायवाची है, और है पढ़ते ही उत्तर क्या दे दिया, मयूर दे दिया। आपको सावधानी से, कुछ तो परीक्षा का दबाव ऐसा होता है, मैंने आपको बार बार कहा है प्रश्न को पढ़ना है, और केवल ये हिंदी भाषा में ही नहीं, अन्य जो आपके इसमें अलग अलग विषय हैं वहां पर भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाने लगे, कौन सा है से ज्यादा क्या हो गया, कौन सा नहीं है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको मयूर, सबसे पहले क्या किया इसने, मयूर किया है, तो ये इसका उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। पूछा क्या है, पर्यायवाची नहीं है, सारंग आपको मैंने बताया था, दोहे के समेत आपको बताया था, सारंग मोर का पर्यायवाची होता है, सारंग बादल का होता है, सारंग वस्त्र का होता है, सारंग स्त्री का होता है, तो ये जो है सारंग यहाँ पर आ गया, केकी बहुत आसान सा था यहाँ पर, ये मोर के पर्यायवाची, सारंग भी मोर का पर्यायवाची है, केकी भी मोर का पर्यायवाची, और मयूर भी है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा केसरी, किसका पर्याय है, शेर का पर्याय है। आपने राजस्थान केसरी, महाराणा प्रताप का उपनाम तो सुना होगा राजस्थान केसरी, उन्हें शेर कहा जाता है राजस्थान का, तो केसरी जो है वो किसका पर्याय, यहाँ पर शेर का पर्याय है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती जिस विद्यार्थी ने की है वो गलती आप नहीं दोहराएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये देखिए आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पर, प्रत्येक में उपसर्ग पूछा है, यहाँ पर जिसको संधि भी पता थी उसका भी सही है, जिसको उपसर्ग आता है उसका भी सही है, ऐसे पहले आधा अक्षर आ जाए, तीन बार मैराथन में मैंने बार बार अलग अलग प्रश्नों में बोला है, ऐसे पहले आधा अक्षर आ जाए किसकी मात्रा लग जाएगी, उस आधे अक्षर पर छोटी की मात्रा, आपको और कुछ नहीं करना था, उत्तर आपका सी हो जाएगा, प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है, प्रति उपसर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न पूछा है एक सौ 135 नंबर का प्रश्न, आप देखिए प्रश्न संख्या 135, जी ये देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्या पूछा है, गो का अनेकार्थ, जिन बच्चों ने याद किया, क्योंकि याद करने वाले बिंदु हम यहाँ पर ऐसे नहीं है कोई 5-7 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं, याद करने वाले 100, 200, 250 की संख्या में रहते हैं, आपको खुद को याद करना पड़ता है। यहाँ पूछा है गो का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है, मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको उत्तर बता दूं, इसमें हो जाएगा स्वर्ग, सूर्य और बैल, जिसको एक भी आ रहा था, वैसे ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान तरीके से दिया है, जिसको एक सूर्य का पता था या स्वर्ग का पता था उसने भी आराम से इसको कर दिया है, हालांकि स्वर्ग दो विकल्पों में दिया है, यहाँ भी स्वर्ग है यहाँ भी स्वर्ग है, लेकिन साथ में जिसको सूर्य का पता था गो, यहाँ पर बैल का अनेकार्थी के रूप में भी आता है, तो यहाँ पर आपका ये विकल्प हो जाता है 135 का द। अगला प्रश्न हम देखते हैं हिंदी का जी, अंतिम प्रश्न जो है आपका हिंदी भाषा का है, ये देखिए इससे पहले जो पेपर हुआ उसमें आपसे कल शाम की पारी वाले में पूछा गया था उत्तम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, कल शाम यानी दूसरा जो पेपर आपका रहा पहले दिन का सेकंड शिफ्ट, उसमें क्या पूछा था पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ क्या पूछा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया, यहाँ प्रश्न को थोड़ा स्तरीय बना दिया, वाक्य देकर पूछ लिया, पहला वाक्य हम नहीं जाएंगे, आप बीमार हो गए थे, प्रश्न पूछ रहे हैं मैं अपने आप चली जाऊंगी और वह चली गई, मैं अपने आप आते कौन सा हो गया निजवाचक सर्वनाम हो गया, वह चली गई वह के लिए आ गया संकेतवाचक सर्वनाम हो गया, आप बीमार हो गए थे, यहाँ जो आप है वो किसके अर्थ में आया है
मध्यम पुरुष के अर्थ में आया है। यहाँ फिर से ध्यान रख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से दो बार प्रश्न आ चुके हैं। जब खुद के लिए व्यक्ति बात करता है, ये प्रश्न हो मैंने मैराथन में बताया था कि जब व्यक्ति खुद के लिए बात करता है उत्तम पुरुष होता है, सामने वाले के लिए बात करता है आप तुम तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है, और किसी अन्य के लिए बात करता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका सीधा सीधा उत्तर हो गया आप बीमार हो गए थे, प्रश्न किया गया यहाँ पर आप यानी कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। बच्चों ये थे हिंदी के 11 सवाल, बिल्कुल आप लोगों के मैं कमेंट देख पा रही हूँ जी। एक और रह गया इसमें, प्रश्न संख्या एक और है, एक प्रश्न बचा है मुहावरे का प्रश्न। जी एक प्रश्न है आपका मुहावरे से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है, इसके अंदर प्रश्न देख हिंदी में एक गलत हुआ है। देखो बच्चा ऐसी बात है, 11 प्रश्नों में से 11-12 प्रश्न है, एक प्रश्न गलत हुआ है तो ये परीक्षा की थोड़ी सी घबराहट होती है, हो सकता है याद करने वालों में हो आपके। एक प्रश्न आपके बचा है मुहावरे से संबंधित, हाँ जी नमस्ते, उसमें ये पूछा गया है छप्पर पर घास न होना, ठीक है प्रश्न आप ढूंढ लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया छप्पर पर घास न होना जो किसका प्रतीक होता है, अत्यधिक गरीबी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी के कुल 12 प्रश्न थे जिनके आपको उत्तर बताए जा चुके हैं, और हाँ जी नमस्ते आपका स्वीकार है, जिनका एक गलत हुआ है वो घबराएं नहीं, बिल्कुल आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं, और आने वाले जो विद्यार्थी हैं जिनका पेपर होने वाला है उनको ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी ये जो 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनको आप आधार बनाइए और देखिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किन किन बिंदुओं से, और उन्हीं बिंदुओं से आने वाले परीक्षा में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। आप प्रवीण जी सर आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाने वाले हैं, सर आइए आप, स्वागत आपका। हेलो, हाँ धन्यवाद मैडम जी, अब आपको कोयल की आवाज के बाद कोयल की आवाज सुनने को मिलेगी, हाँ अब सुरीली आवाज तो नहीं होगी, आप सुन लें सभी लोग लाइव, कर्कश आवाज है आप जानते हैं, लेकिन काम की बात करूंगा, बात बहुत काम की करूंगा। साथियों कोई कुछ भी कह दे, ले एक शेर के साथ आज की इस क्लास को, चौथा पेपर है एकदम शॉर्ट मैटर से, ये कहूं कि 100 पन्नों का मैटर नहीं होगा, टोटल करंट सहित जो लिखवाया गया है उसमें से हुबहू प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न है, टफ प्रश्न होने के बाद भी प्रश्न है, 2-4 प्रश्न, 1-2 प्रश्न जीके में रहते हैं, 70-70 का रेशियो है जीके का, करंट जिसने अच्छा पढ़ा है तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। और मैं रेगुलर मेरी एक क्लास में रही है कि भाई आप करंट पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ हाँ मुकेश बेनीवाल, कन्हैयालाल, सभी क्लास को थोड़ा सा शेयर करो और जोश के साथ आओ, ढीले ढाले दिख रहे हो यार, क्या हो तुम लोग, ऐसे करोगे तब होगा कुछ नहीं, कि जब जब मेरी कश्ती सैलाबों में आती है, कि जब जब मेरी कश्ती सैलाबों में आती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाबों में आती है, कि माँ दुआ करती हुई ख्वाबों में आती है। आप लोग जब जिंदा दिल नहीं होंगे तो कैसे होगा ये काम, इसलिए आप लोग आओ थोड़ा सा क्लास को रौनक बनाओ, शानदार बनाओ। कैसा हुआ, जय श्री राम। हाँ सुरेश कुमार, कन्हैयालाल, कमल सिंह, मुकेश बेनीवाल, संतोष सारण, विकास चौधरी, ये 4-5 लाइव है, इस लाइव को थोड़ा और मजबूत करो, थोड़ा और ताकतवर बनाओ, ताकि हम बहुत अच्छे से बात कर सके आपसे। और आप आज का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथी परियोजना फरवरी 1992 में शुरू हुई है, कब हुई है हाथी परियोजना, मैंने एक टेस्ट पेपर करवाया था, उस टेस्ट पेपर में जो परिष्कार की ओर से हुआ था, उस टेस्ट पेपर में ये प्रश्न दिया था हाथी परियोजना का, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, अभी जो हाल ही इन महीनों में हुआ है, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो सुन लेना। और प्रश्न नंबर दूसरा, ये कि राजस्थान के जिप्सम का खूब बार बोला है भाई, एक रिवाइज क्लास करवा रहा था मैं आपको सुबह सुबह, तब मैंने आपसे कहा था कि भाई जिप्सम नागौर से बदलकर बीकानेर हो गया है, गौट मांगलो नागौर था लेकिन अब आजकल बीकानेर आ गया, मैंने आपसे प्रश्न के बारे में चर्चा की है, ठीक है। हाँ तो ये 4 नंबर प्रश्न आ गया है, और ये 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं तो बहुत जल्दी हो जाऊंगा आपसे, भाई जयगढ़ तोप, इसकी एक बहुत बड़ी तोप थी जयबाण, उसमें गोला दागा जाके गोला बास बस गया, आपको ध्यान हो तो, यहां पर बहुत बड़ा हथियारों का कारखाना है। हाँ ये प्रश्न नंबर 6, भाई अहिर वाटी, अहिर यादवों को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं, यादवों को, यादव अहिर की अहिर, तो ये अहिर कहां रहते हैं ज्यादातर, यादव कहां है, अलवर में,
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाले आई रियाद बोको का जाता, ठीक है। दस नंबर, ये भाई बम रशिया बोल बोल के थक गया भाई, होली पे भरतपुर वाले बम रशिया नरते हैं, तो रोज बताता हूं आपको भाई, भरतपुर वाले बम रशिया नरते करेंगे, करौली वाले करेंगे, ब्रज क्षेत्र में बम रशिया। हाँ आ जाओ भाई फटाफट, जितने भी लोग लाइव हैं हाँ फटाफट आ जाओ, और शेयर कर दो क्लास को, थोड़ा सा आनंददायक बनाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ क्लास को। ये क्या है तुम लोग, ये लाइव सेशन कमजोर करते ही आनंद सा नहीं आता कि मैं कहाँ खड़ा हूं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी भाई, दोनों ही जयपुर में, पहली भी जयपुर में थी और दूसरी आमागढ़, अभी हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा आमागढ़, ये कौन सी आमागढ़, तो ये लेपर्ड सफारी। हाँ हाँ ध्यान देना, 17 नंबर छोड़ो अभी। हाँ सेम्बो लापुंग भाई, ये सेम्बो लापुंग ये खिलाड़ी थे, पहले बॉक्सिंग खेलते थे, बॉक्सिंग में एक बार पिट गए तो नया खेल शुरू कर दिया भारोत्तोलन, कि भाई अब मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा वेट लिफ्टिंग करूंगा। हाँ अगला प्रश्न बोलो। हाँ 18 भाई ये प्रश्न है देखना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल समिति करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है भाई, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हमारे पॉलिटी के पालीवाल जी सर के द्वारा उत्तर भेज दिए गए हैं, और मैं आपको वो बता भी दूंगा, हालांकि मैं भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। भारतीय संविधान में संघीय, देखिए भाई संविधान में कहीं पर भी ये शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, हमारे संविधान में संघीय, हमारी व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, कनाडा से ली गई है, लेकिन संघीय शब्द संविधान में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। हाँ प्रश्न बोलो आगे। 22 करो, हो गया 22 नंबर अभी, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष स्थापित हुआ था भाई, ये 1 2 3 प्रश्न, ये 4 5 6 प्रश्न आंकड़ों से संबंधित ज्यादा पूछे हैं, फैक्चुअल चीजें, तो ये भाई 1984 में हुआ, कब हुआ 84 में, 1984 में ये हस्तकरघा विकास निगम की स्थापना की गई थी, हस्तकरघा आप जानते होंगे। हाँ 23वां प्रश्न, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भाई, जैसे दो राज्यों का एक लोक सेवा आयोग है, जैसे हरियाणा पंजाब का मान सकते हो भाई चंडीगढ़, हालांकि लोक सेवा आयोग के जैसे पूर्वोत्तर कई राज्यों में ऐसा है, तो भाई इनका राष्ट्रपति, बाकी तो एक सिंगल होता तो राज्यपाल करते, लेकिन दोनों है इसलिए कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हाँ भाई फटाफट आ जाओ और उत्तर दे लो इसके, ठीक है। रम्मत लोक नाट्य, देखो साथियों एक लोक नाट्य है, कौन सा, रम्मत लोक नाट्य, और ये बता बता के थक गया भाई, बीकानेर के फागू महाराज व्यास मोहल्ले के अंदर रम्मत होती है भाई, और मैराथन में भी ये प्रश्न अपना डाला है, ठीक है, मैराथन में भी ये प्रश्न डाला है अपने। प्रश्न नंबर वानिकी प्रोजेक्ट भाई, ये भी प्रश्न अपना करवाया हुआ है, बताया हुआ है कि वानिकी और इंदिरा गांधी दो एक साथ आ जाए तो बिना सोचे समझे जापान कर देना, मैंने आपसे कई बार कहा है कि वन और इंदिरा गांधी कहीं मिक्स हो जाए तो बिना सोचे समझे कहां चले जाना, जापान चले जाना, और भारत और जापान, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 नंबर ये, हाँ ये भाई कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, देखिए भाई आय का स्रोत ऐसा तो फिक्स नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन भाई ये भूमि कर, इसमें मान सकते हैं भाई भूमि कर है जो पंचायती राज ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, बाकी देखो क्या मानते हैं, संपत्ति कर, आय कर, बिक्री कर, इसमें भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी बड़ा ऑप्शन यही लग रहा है, इसलिए भूमि कर मान रहे हैं, ठीक है। हाँ ये प्रश्न इतनी बार करवा चुका हूं, इतनी बार, जिसकी कोई सीमा नहीं, मेरे को तो मेरा तो गला सूख गया है जैसलमेर बाड़मेर नाम बोल बोल के भाई, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान, ये प्रश्न आया भाई जैसलमेर बाड़मेर, देख लो आप लोग, दिखा लो विकास गोदारा, नमस्ते सर जी नमस्ते। हाँ भाई तो ये देख लो आप, एकदम नॉर्मल प्रश्न। 33 बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भाई दयालदास राठौड़ों की ख्यात लिखते हैं दयालदास, नैणसी लिखते हैं नैणसी ख्यात है, और सूरज बानर इनके अलग अलग, ये कविमान और ये भी लिखते हैं, पर लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। 35वां सवाल, हाँ भाई ये 35वां सवाल है कि हड़प्पा कलश से सूचना पट, हाँ भाई ये सूचना पट धोलावीरा से मिला है, और बहुत बड़ा एडिंग बोर्ड मिला है धोलावीरा से, धोलावीरा गुजरात में है, कहां पर है, गुजरात में है, और अभी इसको विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया है, ध्यान देना विश्व विरासत में भी शामिल है धोलावीरा।
थेवा कला। अब भाई थेवा कला क्या है? कांच पर सोने का काम। अब सोने के काम कौन करेंगे? ये शेखावत गहलोत खंडेलवाल तो करेंगे नहीं। कौन से करेंगे? सोनी परिवार करेंगे। प्रतापगढ़ की थेवा कला सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ प्रश्न नंबर, हाँ भाई एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, हाँ 37वां प्रश्न है कि भाई ये बिश्वा कौन से हैं? हेमानंद बिश्वा बिश्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। भाई ये कहां के थे? भाई ये ओडिशा के थे। कहां के थे? उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हाँ आगे आ जाओ। हाँ भाई अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष स्टॉक के नवाब की मान्यता दी? ये भाई 1817 में ही इन्होंने बगावत की थी, फिर इन्होंने कंट्रोल किया तो इन्होंने 1817 में नवाब की मान्यता दे दी अंग्रेजों ने। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि अमीर खां का नाम मैंने लिया है कि इनको भाई पहला नवाब बनाया गया था। 40 महिला पोशाक पोमचा, मैंने आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर बताया है। और इसे पोमचा कब पहना जाता है? भाई शिशु के जन्म के समय पहना जाता है। पोमचा कब पहना जाता है? भाई शिशु के जन्म के समय। हाँ मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किसकी किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? भाई ये शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया है। आपको कॉपी के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से मैंने ये बात लिखवाई है, तो ये ध्यान देना और गौर करना। हाँ जो नहीं आ रहे हैं लाइव वो आके देख लें। कौन सा कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है? भाई ये ध्यान दे लें, अकाल रात से सीधा कार्य सुखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। वैसे मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम होता पर सीधा संबंध इससे मान रहे हैं। हो सकता है कि भाई बोर्ड इसका उत्तर ए भी मान ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम सी के साथ ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सी जिनका है वो सही मान ले, बाकी गलत मान ले। ठीक है, हाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में है, ये प्रश्न है कि भाई कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के अनुसंधान के लिए कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के अनुसंधान कार्य कर रहा है? हाँ भाई इसमें तीन लोग हैं और उसमें एक दाऊलाल बोरा है, एक जैसलमेर से है और एक सीमा ढूकिया करके एक महिला भी है। तो ठीक है, इसमें तीन लोग हैं इंपोर्टेंट, तो ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है, हिमालय की निम्न चोटियों में से, हाँ भाई माउंट एवरेस्ट मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा प्रमुख बड़ी बड़ी चोटियां, विश्व की सबसे बड़ी चोटी भी नेपाल में पाई जाती है, और लेकिन कॉमेट नेपाल में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना कॉमेट नेपाल में नहीं है। अगला प्रश्न देखना। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है, भाई ये तेंदुआ जयपुर जंतुवालय से, तेंदुआ वही होंगे और तो कहाँ होंगे, तेंदुआ जंपुर जयपुर जंतुवालय से किया गया है ये एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, पुनर्वास कार्यक्रम। हाँ राज्यपाल की ये 49 नंबर क्वेश्चन है, 49, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? भाई राज्यपाल अनुपस्थित हो तो भाई इसमें करेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? भाई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके स्थान पर कार्य करता है। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ है? भाई गुलाबपुरा में है। और साथियों गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये मिल कहाँ है? स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पर है? गुलाबपुरा में। गुलाबपुरा एक कस्बा है और वो भीलवाड़ा का है। ठीक है, हाँ प्रश्न नंबर, हाँ भाई 55 नंबर क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? भाई ये बरखान अर्धचंद्राकार शेखावटी में बहुत पाए जाते हैं और मैंने आपको टीले बताए हैं। भाई बरखान कहाँ का शब्द है? साहब अरबी शब्द है। कहाँ का शब्द है? अरबी। हाँ रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण, ये भाई अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये कहाँ का है साथियों? उत्तर प्रदेश का है। हाँ अब इसको कौन समझाएगा, मैं क्लास में हूं। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाँ भाई ये भारत का 2025 तक का लक्ष्य तय किया कि भाई टीबी से मुक्त कर देंगे, क्षय रोग से मुक्त कर देंगे, टीबी से मुक्त कर देंगे और क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ठीक है, एक एक आर प्रज्ञानंदा बहुत फेमस शतरंज के खिलाड़ी हैं और छोटी उम्र में ही पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन किया इन्होंने। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर शतरंज का। ठीक है, हाँ 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया?
भाई ये अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स है और फ्लोरिडा अमेरिका से इसका लॉन्चिंग हुई है, फ्लोरिडा अमेरिका से स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। हाँ भाई आगे है? अकेले गया, समझना चाहिए इसको। निम्न में से कौन सी लो एस की किस्म है? भाई ये हेमेटाइट सबको पता है, ये एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स तो अपने कोयले की है, लेकिन हेमेटाइट जो है वो लो एस की किस्म है। हाँ भाई ये प्रश्न देखना आप, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कौन सी लूणी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? तो भाई जोजरी नदी है वो नागौर से निकलती है, नागौर के ऊपरी भाग से निकलती है, तो ये अरावली की पहाड़ी, बाकी सब अरावली से निकलती है, जालौर पाली के क्षेत्रों के अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। हाँ तो ध्यान दे लें। हाँ भाई आगे प्रश्न देखना आप। हाँ कौन सा है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, इला भट्ट भाई इन्होंने एक संगठन बनाया है सेवा, ये महिला नियोजित संगठन है। कौन सा संगठन है? महिला नियोजित संगठन, तो ध्यान देना महिला नियोजित संगठन, महिला नियोजित संगठन इला भट्ट का, ठीक है। और इनका निधन हो गया, रमन मैग्सेसे से बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। दयानंद सरस्वती का संबंध बहुत बार बताया मैंने, इनका निधन अजमेर में हुआ, अजमेर में इनका संगठन बना, आर्य समाज भी बनाया गया इनके द्वारा। बाकी उदयपुर होता तो आप कंफ्यूज होते, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अजमेर उदयपुर इसमें ऑप्शन में नहीं, तो वरना उदयपुर के तो फिर कंफ्यूज। हाँ भाई ये दिहांग और तिस्ता, भारत के अंदर हिमालय को ऐसे 4 भागों में बांटा गया, अंतिम जो हिमालय है 1, 2, 3 और 4 ये असम हिमालय है जो तिस्ता और दिहांग के मध्य है। ये तिस्ता नेपाल में बहती है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, असम हिमालय है। हाँ ऊपर। हाँ भाई राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी के द्वारा किया गया? भाई ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कहां पर है भाई, संघाई में है, और संघाई कहां है? चीन में। इसका मुख्यालय कहां है? संघाई चीन में। ध्यान देना भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में ऑफिस है, और प्रमुख रूप से ब्राजील, चीन, अफ्रीका और भारत जुड़े हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका। ये क्षेत्र प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? भाई ये सितंबर 2005 में लागू हुआ। कब हुआ? सितंबर 2005 में लागू हुआ है, ठीक है। और 77वां जो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि क्षेत्रवे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किस वर्ष विकसित भारत की घोषणा की है? कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भाई एक विकसित भारत की घोषणा की, और वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, 2047। ऑल्टमिस, हाँ भाई ये एक ऑल्टमिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑल्टमिस दिखाई दे रहे, ऑर्टमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। ये भाई अमेरिका की बहुत बड़ी अंतरिक्ष कंपनी है, नासा, एक बहुत बड़ा स्टेशन है नासा अमेरिका का, वहां उसने ऑर्टमिस, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? भाई ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। हाँ भाई आगे प्रश्न देखना, कितने नंबर है? 81 क्वेश्चन है कि गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे से? भाई ये गंगा यूं जाती है और यमुना के यूं मिलती है, बाकी ये यूं मिल रही है। एक और नदी मैंने आपको बताया यूं जाके, तो यमुना हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कौन सी नदी हो गई? यमुना। घाघरा, कोसी और गंडक सब उधर से ऊपर से आके मिल रही है, और ये गंगा में इधर से जाके मिल रही है, तो कौन सी हो गई? यमुना, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय पर्वन? अब भाई ये पर्वन परियोजना कहाँ की है? भाई झालावाड़ की है, गागरीन, पर्वन ये प्रमुख नदी है और झालावाड़ की है। नमदा आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, नमदा भाई टोंक का है, नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। नमदा कहाँ का है? टोंक का। कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया? बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, ये 3-4 मुख्य रूप से 3-4 प्रश्न आते हैं इसमें। अनुच्छेद 368 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 368
संशोधन प्रक्रिया 368 के अंदर दी गई है, ठीक है। और कौन से चित्र शैली गीत गोविंद भाई, ये लगातार एक ही टॉपिक से प्रश्न है, लगातार एक ही टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, और इसमें है मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। जगत सिंह साहिबदीन ने गीत गोविंद पर सर्वाधिक चित्र बनाए मेवाड़ में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है? 88 शांति और अहिंसा विभाग देश का पहला राज्य भाई। इस प्रकार का कोई प्रश्न आए राजस्थान ऑप्शन में हो तो तुक्का वैसे वही मारना चाहिए, नहीं ध्यान में हो तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो राजस्थान करना चाहिए, और ध्यान हो तो फिर वही करो, लेकिन नहीं ध्यान हो तो आप बेसमझ हो ना तुक्का मार दो कहीं, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो अपने राजस्थान और जयपुर के साथ जाना चाहिए अपने को। एक ये लॉजिक वाली चीज है। कितने नंबर है? 93। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया भाई? रूस, यूक्रेन के लिए दिया गया, बेलारूस के वो हैं, लेकिन फिलीपींस का कोई लेना देना नहीं है, फिलीपींस का कोई लेना देना नहीं है। ये पहले भी एक प्रश्न इनका आ चुका नोबेल वाला, ये सेम का सेम प्रश्न अगले में डाल दिया। देखो आप कितने रिपीटेशन प्रश्न है, जो देख के जाता है तो वो आराम से कर सकता है। मुगल शासकों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कच्चा से जारी किए गए सिक्के भाई, इनके सिक्के झाड़साई होते थे इस प्रकार से, एक झाड़ पेड़ बना हुआ था ऐसे, तो उसको क्या कहते थे? झाड़। झाड़ पेड़ को कहते हैं, तो सिक्के भी झाड़ बने होते थे, झाड़साई कहलाते थे, ठीक है। हाँ 106। बर्किंगम राष्ट्रमंडल खेलों में भाई, इनमें 22 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं भाई, 61 पदक, ध्यान देना। सरल प्रश्न है, करंट के भी पढ़ के गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, पढ़ के गया है तो उसको। हीराकुंड बांध, मैंने कई क्लासों में बता चुका हूं, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में, कई बार बता चुका हूं मैं इस प्रश्न को, कई बार आपको मतलब रटा चुका हूं मैं ऐसे प्रश्न तो कई, तो ठीक है फिर भी। ये प्रश्न देखना, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम? ये भाई 8 जिलों में, 4 हाड़ोती के, 4 चंबल के, टोटल 8 इसमें जिले हैं, ठीक है। और आपका ये प्रश्न ऑफलाइन की टेस्ट में डाला हुआ था, प्रश्न डाला हुआ है ये, तो आप ध्यान दे सकते हैं, अगर गौर किया है तो ये प्रश्न था। किस रियासत में रघुवरदयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? भाई ये बीकानेर है साथियों, बीकानेर, रघुवरदयाल गोयल 1942 में रघुवरदयाल ने बीकानेर के अंदर ये प्रजामंडल स्थापित किया। नंबर है ये पुराना 122 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ भाई? ये 1972 मैंने आपको बताया, 73 में बाघ परियोजना और वन अधिनियम 72 और बाघ परियोजना 73 आपको मैंने बताया, मैराथन में भी बताया आपने गौर किया हो तो। 121 ये भाई अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हालांकि भाई 66 के अंदर इसे विक्रम साराभाई ने संगठित किया था, लेकिन मुख्य रूप से इसकी स्थापना 1969 में होती है, वो ऑप्शन में नहीं है 66, इसलिए 1969 ही होगा, लेकिन इसरो का मुख्य संगठन हुआ तभी है, लेकिन विक्रम साराभाई है। यूक्रेन को जोड़ने वाला भाई एक पुल है जो रूस और यूक्रेन को जोड़ता है, और वो है क्रैच ब्रिज। कौन सा है साथियों? क्रैच ब्रिज इनको जोड़ता है। हाँ, शिव यमुना टोंक, बिल्कुल। 127 काली बंगा का भाई, मैंने 5 ही सभ्यता थी और उसमें एक बहुत स्पष्ट लगाया कि भाई कार्य कितने स्तरों पे हुआ है काली बंगा का उत्खनन, और मैंने बहुत स्पष्ट लिखाया है 5, अपनी कॉपी खोल के देख ले जिन जिन से मेरे से सभ्यता ही पड़ी है, 5 स्तर पहला ही मैंने लिखा है कि भाई 5 स्तर पे हुआ है, ठीक है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? भाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर विधानमंडल सत्र में नहीं है तब कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। 36 हाँ भाई, ये आपको ये भी बताया है मैंने कि भाई मेड़ता नागौर पलाना और बरसिंहसर बीकानेर कपूरडी बाड़मेर, कपूरडी कहाँ का है? बाड़मेर। रिवाइज क्लास में मैं आपकी फर्स्ट रिवाइज क्लास ले रहा था, उसमें आपको बताया है कि भाई लिग्नाइट अच्छी किस्म का, सबसे बेहतरीन किस्म का तो कहाँ मिलता है? पलाना में,
सबसे बेहतरीन किस्म कहाँ है? पलाना की, बीकानेर की, दूसरे नंबर कपूरडी है, लेकिन इसमें वो बाड़मेर का पूछ रहा है इसलिए कपूरडी हो जाएगा। हाँ भाई, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की बेंच को समाप्त किया गया? भाई सत्यनारायण समिति, इसमें गुप्ता जी भी थे ठीक है और खरे साहब भी थे, इन्होंने मिलके ये जो 1949 में हाईकोर्ट स्थापित हुआ था उसे 58 में पीठ मुख्य स्थान कहां? जोधपुर बना दिया गया हाईकोर्ट का ठीक है। और सत्यनारायण राव समिति, सीताबाड़ी, सीता माता मेला आ जाए तो भाई प्रतापगढ़ साथ जाते हो, और सीताबाड़ी आ जाता है तो हम कहां चले जाते हैं? बारा, और बारा जाते क्या याद आता है? शहरिया। मैंने आपको बार बार बताया है, सीता माता प्रतापगढ़ और सीताबाड़ी बारा, ये शहरिया का मेला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बात कर लू, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है भाई, मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है भाई राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कौन है इसमें? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं भाई, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है भाई? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गौर करने वाली बात है। और ये एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाँ भाई लगभग हाँ ये रहा, पेट्रो भाई, पेट्रो जॉन कहाँ है भाई? बाड़मेर में, लेकिन वही रिफाइनरी है। हाँ तो भाई कौन कौन लोग हैं? मुकेश बेनीवाल नमस्ते, विकास गोदारा नमस्ते, शिव विदासर चूरू, हाँ नासा बिल्कुल, यमुना टॉक भाई, सभी लोग आ जाओ और सभी लोग देख लो इसको, और क्या आप कमेंट करो सभी लोग अच्छे से। हाँ ये देखो आप, हाँ फटाफट बताओ क्या चल रहा है आपका ठीक है, और प्रश्न तो सब के सब आ रहे हैं, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। कमेंट कमेंट कहाँ गए? कमेंट निकालो ना, कमेंट निकालो, तो इसमें 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 गए ना, मैं कमेंट तो पढ़ लूँ यार, कमेंट कमेंट हाँ जी हाँ जी हाँ, सुरेंद्र भादु, हाँ भाई सुरेंद्र भादु वेरी गुड, और जो जो भी है लाइव आओ और बताओ कैसा था। एक भी प्रश्न आप जयपुर चले जाके 50,000 रुपये दे दो, लाख दे दो, हमारे पास आके 10-12,000 दे दो, तुम्हारा काम नक्की है, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा है। इतने कम पैसे ले रहे हैं, करोड़ों रुपए के आदि भी है, हम खुद के मुंह से कहना पड़ता है, क्या करें, तुम लोग सहयोग करते नहीं हो, तुम लोगों को सिक्कर अच्छा लगता है, तुम लोगों को जयपुर अच्छा लगता है, छोटे स्तर पे ऊंची दुकान फीके पकवान दोस्तों, नॉलेज कुछ होता नहीं है, 10-20-50-50 लोग इकट्ठा होते हैं, गुमराह करते हैं, हजारों की भीड़ में बैठते हो और हम कहते हैं हमसे होते हो निराश। बाकी आपको बता दें कि हमारी कॉपी से कोई आके ये चैलेंज कर दे कि सर ये प्रश्न यहाँ से नहीं आया, जीके में 70% आते हैं तो मैं 1-2 की बात नहीं करूंगा, वैसा होता रहता है, तो 90% से कम अगर हमारा रेशियो है और कोई ऐसा चैलेंज करता है तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, वो आ जाए। 90% से कम रेशियो नहीं है, 90% से ऊपर मैटर आ रहा है, टॉपिक करवा दिया, टच है टॉपिक, तो उससे बाहर तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो करंट का हो। करंट जो योजनाएं मैं आपको मैंने करवाई थी, उन योजनाओं से 2-2, 1-2, 1-2, 2% कंटिन्यू आ रहे हैं, रिपीटेशन वैसा ही है प्रश्नों का, 11 वाला का थोड़ा पैटर्न मुझे चेंज नजर आएगा, तो फिर भी इनके आसपास की चीजें आप देखें, और जिनको भी 11 तारीख को पेपर है वो यहाँ सब आ जाए और गौर कर लें, सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या सिस्टम रहेगा और क्या नहीं ठीक है। और हम सहयोग करने के लिए तैयार है, 10 दिन तैयारी हमारे साथ कर लोगे, बेहतरीन नंबर ले जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बुलाता हूँ बड़े क्रांतिकारी टीचर हैं जिनके मैराथन से गणित के सवाल आए, ठीक है मैं तो चलो आते ही आते हैं, ऐसा कहीं देखा आप गणित के सवाल, मजा करती है ना यार, ऐसा मजा कहीं देखा आपने? आज तक नहीं हुआ ऐसा मजा, तो और यहाँ हुआ, अतः आप समझ जाओ, समझदार हो थोड़े बहुत तो, और नहीं समझदार हो धक्के खाने का मूड है तो ये गणित ये चौड़ा मैदान भागते रहो। जय हिंद, और क्रांति जी को बुलाता हूँ, आ जाओ भाई क्रांति। धन्यवाद प्रवीण जी, आप मैं गणित के, रीजनिंग के और इंग्लिश के सुरेंद्र जी सर द्वारा बताए हुए आंसर
उसके बाद में साइंस के सज्जन जी द्वारा बताए हुए आंसर और कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर रीजनिंग मैथ मैं खुद बता रहा हूँ आपको, और बाकी तीनों, बाकी दोनों सज्जन जी और सुरेंद्र जी ने हमें सोल्व करके उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वापिस वही बात, प्रवीण जी वाली बात, 72 क्वेश्चन आ गया, 72 मुंह 70 मैराथन क्लास का माइंड लाज सी, एज इट इज कोई शब्द होना जरूरी नहीं होता, राम की जगह श्याम आ जा, पांच की जगह आठ आ जा, लेकिन प्रश्न भाई ये घुमा फिरा गए। अभी भी 11 तारीख का जक्का पेपर है, ठीक है, कंपटीशन है, आप एक दूसरे की हेल्प कोनी कर सका, लेकिन करनी चाहिए। 11 तारीख का बच्चा ना बोलो मैराथन क्लास ले लो, चारू जगह एग्जाम उड़ा है, आंगा पेपर देख लियो, आऊं 12 प्रश्न कौन जावे, आगे इर्द गिर्द प्रश्न आवे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं, फर्स्ट स्टार्टिंग का क्वेश्चन से सीधा तीन नंबर अपना साइंस का प्रश्न है। देखो, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? गठिया हो के मतलब है, टाइफाइड कोई मतलब को नहीं, पीलिया को कोई मतलब को नहीं है, तो पानी हुए कई बीमार है तो, और गठिया नॉर्मल वही आपने, तो जो हार्ट अटैक है, हृदय घात है, भी आप बच सका के थ्रू रक्तचाप ने अगर ब्लड प्रेशर ने कंट्रोल कर लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर, देखो सिंपल सो है, 91-58-49 को वर्गमूल बताना है। ठीक है, तो 91-58-49 को वर्गमूल सीधो साजिश की तो 957। ठीक है, सिंपल वर्गमूल, देखो हर पेपर में वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल आगे शायद घनमूल को भी क्वेश्चन मिलसी। हाँ, पांच के बाद में देखो नेक्स्ट, पांच के बाद में आठ, पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन हो, शायद सुबह की पारी में हो या फिर काल की लास्ट सेकंड पारी का महीनो, सेकंड पारी में भी वही प्रश्न हो, संभव त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल दे दियो और भी परिमाप पूछो, भी उत्तर शायद 30 मीटर हो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया, बस आंकड़ा चेंज हुआ और की को नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरियो कितो है 400√3, 400√3 बराबर फॉर्मूलो की है √3/4 ए स्क्वायर, √3 कैंसिल उसी, ए स्क्वायर बराबर कितो आ गयो 1600, तो ए बराबर कितो आ गयो 40, अपन परिमाप निकालना है, तीन गुण हो जिसी 120, तो आठवां आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, दुर्बल वांडर बल, धात्विक बंध, देखो धात्विक बंध तो धातुओं के बीच में हुआ, अपन इठा है कार्बन है जो धातु को नहीं, फिर बाद में आयनिक बंध उसी तो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड उसी, आंसर किया सहसंयोजक बंध, ई वास्ते ग्रेफाइट की हुआ है नरम वायर बिन काटो भी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये सहसंयोजक बंध, 111। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों के समूह में कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होता? दर्पण को एज इट इज सीधा क्लास का माइंड लिखा है, और यहाँ भी आपने टेस्ट पेपर का माइंड भी दे है, एच ओ एक्स को एच को एच ही बन सी, ओ को ओ ही बन सी, एक्स को एक्स ही बन सी, डी आंसर हो गया 11वें का माइंड डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग गया है, इसे 125 समान घनों में काटा जाता है, कितने घनों की तीन सतहों को रंगा गया है? तीन सतह आठ फलक आठ घन, सी सीधो आंसर हो गया सी आठ आंसर। उसके बाद है 15वां, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है, देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का है, पेज ओरिएंटेशन मतलब जहां थोड़ा पेपर लेके समझा दूं, और लैंडस्केप हो गया और पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ओ है, तो ये हो गया पेज ओरिएंटेशन का सी। उसके बाद में अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है 16वां, देखो यहां पर क्या बोला इसने, 2 11 56 के समान कौन सा है? तो 2 11 56 के समान, देखो 2 को क्या किया इसने, यहाँ पे 5 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, तो 2 5 10 10+1, फिर 11 को क्या किया, 11 को भी 5 से गुणा करके 55 और 1 जोड़ दिया 56। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें अपने को चेक करना है, तो देखो 5 गुणा करना है 7 5 35, ये तो हो नहीं सकता, 3 5 15 और 1 16 होता है। ठीक है, और 16 को 5 से गुणा करके 16 5 80 और 1 81, तो ये इससे मैच हो रहा है, सी अपना इसका आंसर हो गया। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो इंगमैन की उसी लेजर प्रिंटर के अंदर हुए, सिंपल सी बात है, जो ड्रम हुआ है बेलनाकार ड्रम वो लेजर प्रिंटर का माइंड हुआ है। अगलो, अब देखो अगलो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया साइंस के अंदर, इन बोले पेपर को लेवल टफ है या इजी है भाई, कुछ क्वेश्चन तो टफ भी तो डाले हैं,
ग्रिगर मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया, सेनेट है मटर को प्रयोग करो, ठीक है, पर अब दिक्कत आओगी, मटर नाम ही कौन लिखे डो मटर ना इंग्लिश साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटावाइम, ठीक है, पाइसम सेटावाइम को नाम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न हो गया, थोड़ा सा लंबो है, डायरेक्ट आंसर बता दू, सोल्व कर सा, आपने बी आंसर आज सी 40, बाकी देखो सिंपल सी बात है, इन टू मल्टीप्लाई कर सा, ठीक है, थोड़ा सा बता भी दू, टू मल्टीप्लाई कर सा कितना सी 2x 12y 94, और नीचे आ समीकरण लिख दे सा 79, पहली समीकरण में दूसरी समीकरण घटा दे सा, वो कट गयो, ए हो गया 15y और ए हो गया 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 रख दो, और भी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जी, तो हल कर सो जना x की वैल्यू आज सी 8 है 41, ठीक है, अब x माइनस y निकालना है तो 41 माइनस 1 की तो सी 40 सी, तो आंसर हो गया 26 पे को बी 27। हां 27 व्रत को क्वेश्चन है, दो व्रत है, एक छोटो व्रत एक बड़ो व्रत, छोटे व्रत को व्यास है जो 42 मीटर है, त्रिज्या कितनी होगी 21 मीटर, बड़ा व्रत को त्रिज्या है और रस्तो 3.5 मीटर चौड़ो है ना, 21 और 3.5 की तो हो गयो 24.5 है ना, बारले व्रत को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 24.5 को स्क्वायर, माइन लगो पाई अंदर वाले की त्रिज्या 21 स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल निकल सी निकलने के बाद में इन चारों गुणा करना है, क्योंकि वर्ग मीटर के अंदर अपन आंसर दे रखे भाव दे रखे, तो इन पूरे नल कर सोचना कितना उत्तर आज सी 27 में 2002 उत्तर आज सी, इन सोल्व करके चेक कर लिया, ठीक है, अब आप पूरा डिटेल में कौन जाओ, उसके बाद में 29 नंबर, 29 देखो, अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, अलग करो जा सके, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया प्रभाजी आसवन, उर्ध्व अपातन द्वारा तो बन अलग करे, जगह का माइंड कोई चीज है जो ठोस उसी दो गैस के अंदर परिवर्तित हो जावे, ठीक है, उसके बाद में ठीक है, माध्यिका काल भी प्रश्न आयो, माध्यिका और माध्य दोनों पूछा, बिग माइंड शायद उत्तर 15 और 14 याद बढ़िया हो चुकी, तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, माध्यिका निकालने को तरीको क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर का माइंड सेट कर लो, टोटल कितनी टर्म है 16 टर्म है सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 और 16 16 है, 16 के अंदर से बीच वाला अगर विषम संख्या हो तो सीधा सा क्या होगा, अगर n का मान विषम हो तब तो अपना सूत्र होता है n+1/2, जबकि n का मान सम हो तो n/2 पद और n/2+1 पद, ठीक है, n/2+1 पद, अब इन सेट कर शायद n/2 मतलब 8 पद है जो 10 आना चाहिए, ठीक है, और n/2+1 पद है वो 14 आ सी, आंदोलन जोड़ के अंगोसत निकाल ले से ना 24 और उत्तर आ गयो 12, तो आंसर आज इसी 12 असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके फिर बता रही हूँ तुमने। उसके बाद में ये सिंपल पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट के क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अपने को तीन चीजें जोड़नी है, देखो इसमें जोड़ना है आपको 5 है कला विधि और शिक्षा, और शिक्षा 50 40 90 90 और 100 कितना हो गया 190, ठीक है, 190 हो गया ना, बाकी कंपोनेंट की तो बच गयो 170 क्योंकि सारा डिग्री के अंदर दे रहे, तो हम डिफरेंस कितना को आयो 20 डिग्री को डिफरेंस आयो, अब 20 डिग्री को जो डिफरेंस आयो तो ना डिग्री टोटल 360 हुआ, अपने टोटल कितना दे रहा है 108, बस आन काट दो 0 से 0 36 3 2 6 आंसर क्या आ गयो 6 को डिफरेंस हो गया, ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल प्रश्न है, वो भी वापस सेम टू सेम आ रहे हैं, ए से बी अधिक है, बी से ए अधिक है, बस ये टाइप का प्रश्न है, हाँ पी और क्यू, पी और क्यू पहली क्या क्या है, यदि पी की आई क्यू से 40% अधिक है तो क्यू की 100 मान लिया, पी की 140 मान लिया, तो क्यू की आई पी की आई से कितने प्रतिशत कम होगी, क्यू की आई पी की आई से मतलब पी ना अपन 100 बनाना है एक्स, वो देख लिया कितो बन सी, तो एक्स बराबर ये दोनों गुणा में आ जाएंगे ये दोनों, और ये 140 बट्टा में आ जाएगा, एक्स का मान काट पीट की कितना जिसी 0 कट गया 500/700 मुन घटाने के बाद में जगह वृद्धि आसी सॉरी कम
कमी आसी कमी की त्याजी सी सोमू घटा के लिखू मैं 100 माइनस 500 बट्टा 7 200 बट्टा 7 200 बट्टा 7 में कन्वर्ट कर सेना 7 दूनी 14 और 60 7 बटे 56 4 28 से 4 बट्टा 7 प्रतिशत ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 44 देखो निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है तो देखो इंग माइन कपास उत्तर इंगो कपास के माइन जो कपास के बीज को जो पार्ट हुए भी तो रेशा प्राप्त हुआ और कपास को जो बीज हुए भी तेल प्राप्त हुए तो यहाँ पे सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा कपास हो जाएगा। के बाद में 47 हाँ 47 इंग्लिश को क्वेश्चन है देखो चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स अबोलिश अबोलिश को अपोजिट किए उसी ऑप्शन इंगो उत्तर उजीसी। नेक्स्ट पचास पचास लोग कराइडो प्रश्न एज इट मैराथन में भी कराइडो है इतना लंबो कौन कराइडो छोटो कराइडो कोई फर्क कौन पड़े ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में आइडो भी क्वेश्चन है बैठे भी छोटो क्वेश्चन आयो ठीक है। हाँ, अब देखो कन्वर्ट सारा ने अपन अब माइंड आधार चेंज करना है ना आधार चेंज को फॉर्मूलो भी बतायो मैं जे मान लो लॉग ए बी है इनको आधार एक्स करना है तो यहाँ पर तो लॉग ए लिख दो इसका आधार एक्स हो जाएगा और यहाँ पर लॉग बी लिख दो इसका आधार एक्स हो जाएगा ठीक है। मतलब इस तरीके से इसको सेट करना है तो मैं इनको लिख के बता रहा हूँ देखो इसका आधार मान लो मैं कुछ भी करता हूँ ठीक है जना मैं आधार लिख रही हूँ कोई नहीं सारा वो आधार सेम है मतलब सारा ने मैं लॉग 10 आधार में कन्वर्ट करूँ या एक्स आधार में करूँ किमें भी करूँ तो सीधो लॉग 2 बट्टा लॉग 3 ठीक है फिर आगलो लोग 3 बट्टा लोग 4 फिर आगलो लोग 4 बट्टा लोग 5 इस तरीके को डॉट 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 सीधो लिख दियो लोग 7 बट्टा लोग 8 ऐ तरीके को सारा कट जीसी बच सी के लोग 2 बट्टा लोग 8 ठीक है लोग 2 अब इनके एलिक्स कहां पा और लोग 2 एज इट इज रह जीसी लोग 8 ने के एलिक्स को 2 की घात 3 3 इन द उत्तर जीसी और कट जीसी बच गयो 1 बट्टा 3 उत्तर तो 1 बट्टा 3 अपनो आंसर हो गयो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। 51 अब देखो अगला क्वेश्चन है इफ cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो sin स्क्वायर थीटा + sin 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा। अभी हम देखो सिंपल सी बात है cos स्क्वायर थीटा ने बिना भेज दो बिना भेज से ना cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जी 1 - cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा को नाम किया है sin स्क्वायर थीटा मतलब जठे भी sin स्क्वायर थीटा दिखे बट के रख दे छापा cos थीटा रख दे छा ओ sin स्क्वायर थीटा अटके लिख दियो cos थीटा sin 4 थीटा है जो sin स्क्वायर को स्क्वायर है इनको मतलब इनकी वैल्यू कितनी आ जी सी cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है 1 तो आंसर क्या हो गया 1 ठीक है 1 यहां पे नीचे ऑप्शन ये इसका आंसर हो गया 1। 51 रह गया चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु प्लान्स एंड ड्रॉ द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड सुपरिटेंडिंग देयर कंस्ट्रक्शन तो देखो आर्किटेक्चर हुआ देखो हुआ ठीक है आर्किटेक्चर क्या करे डिजाइन और सारो सिस्टम करे एक में यहाँ पे आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट हो गए हो गए चौपन चौपन हाँ कंप्यूटर सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में से कौन सी संख्या प्रणाली प्रदान किए जाते हैं बाइनरी सिस्टम हुए बाइनरी सिस्टम को मतलब 2 वाला होगा ठीक है ये इसमें पूछ रहा है कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है तो बाइनरी बाइनरी में कौन सा हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट हाँ कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए बाई दिवे तो आप कमेंट करके बता देना बाकी हमारे छांटे हुए क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो सिंपल है बेंजीन को नाइट्रिकन को इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापन हुआ अभिक्रिया ठीक है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन कौन सी होती है बेंजीन का नाइट्रिकरण है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 63 हेल्थी बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज अच्छा पढ़नी पड़ी अभी अंग्रेजी भी सॉरी है अंग्रेजी साइंस ज्यादा सॉरी है। अब देखो सिंपल सा प्रश्न है स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांतर नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है पाछो काल भी साइंस को एक क्वेश्चन आयो याद करो ई कोलाई को स्ट्रक्चर क्यों ग्राम नेगेटिव याद है सेम वो क्वेश्चन है बट वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा ई कोलाई को स्ट्रक्चर पूछ लियो अठे ई कोलाई को स्ट्रक्चर नहीं पूछ के वो पूछ लियो क्या किस को
किस योजक को जठर तंत्र की नली के अंदर बी कॉम्प्लेक्स को निर्माण करे तो ठीक है ई कोलाई हो जिसी आंसर है अपनो ई कोलाई और काल भी सेकंड शिफ्ट में ई वास्ते अब ई कोलाई ने रट लिया इनको पक्को 11 तारीख ने प्रश्न लाद सी। हां अगला है निम्न में से कौन सी लोह है इसकी किस्म है मतलब अयस्क किस है अयस्क को बताना अपन एंथ्रेसाइट बिटुमनी ये तो कोयले का प्रकार है गैलेना ओपीबी को लेड को मतलब बिंगो और वे अयस्क वे हेमेटाइट हेमेटाइट किंग वे लोहे को वे आंसर हो गया हेमेटाइट। पैसेज में कौन सा क्वेश्चन है 65 का आंसर देखो बच्चों इसमें हो जाएगा ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड विद द नोबल थॉट एंड आइडियाज आइडियल्स लाइट निकाला तो लाइट तो व्हाइट कलर की वेबिंग बाद विभक्त की मुझे सात कलर को पिछली पारी का कोई कमेंट करके बता सके क्वेश्चन आयो ठीक है उत्तर आपने क्यों क्यों वर्ण विक्षेपण पिछली मतलब सेकंड शिफ्ट में कल सेकंड क्यों आज सुबह तो मेरे पास आई चाहिए नहीं हो कल अपने क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा जो विवर्तन ये होता है इसमें आ गया क्वेश्चन तो अभी बता रहा था ठीक है तो सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका होता है उसमें विब्योर से वोइलेट का होता है बेंगनी उसमें आंसर था अपना 69 देखो एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है पहले थोड़ा सा समझा दो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हुआ की है जी मान लो आपका कोई फॉर्मूला है वो पहली सेल में लगा हुआ अब अगर मान लो आप दूसरी सेल में कॉपी कर सकते तो जी पहली सेल में लिखा आपके A1 लिखियो अब अगली कमांड में जब कॉपी कर सो तो ऑटोमेटिकली के ओजीसी A2 जीसी ठीक है A3 ओजीसी A4 ओजीसी अगर कॉलम दूसरे में लिख रहे हो तो ठीक है ओजीसी ऑटोमेटिकली B1 B2 E3 क्यों चेंज ओजीसी तो अगर मैं आऊं पहले डॉलर लगा दूं तो अब वो A ही रहसी ठीक है कभी बी कौन बने अठे भी मैं कॉपी कर सो तो भी किया सी ए ही रहसी मतलब ए की वैल्यू पिक कर सी हो अगर सी में भी ए की वैल्यू पिक कर सी तो बिन बोला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग मतलब जगह का माइन डेटा जो है वो ओरिजिनल सेल अगर ए का आगे डॉलर लगा दियो और वन का आगे डॉलर लगा दियो लाख सी यहां ध्यान रखा डॉलर ए डॉलर वन ठीक है इस तरीके से लिखना है तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हाँ वह बाल बाल बच्चा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वह बाल बाल बच्चा जनाइंग मैन की उसी ही वॉज नैरोली एस्केप्ड। नेक्स्ट क्षेत्र क्या 78 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है आई समहाउ मैनेज टू वॉक के साथ क्या होगा अक्रॉस और काल सेकंड शिफ्ट में किया है पेन के साथ वॉच के साथ गावे ठीक है वॉच को क्वेश्चन आयो काल तो सिंपल प्रीपोजिशन आ रहे हैं नहीं याद हो गया सोल्व करावा तो ही। नेक्स्ट कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी कुन कार्ड प्रिंट करा प्रिंट कुन किसी प्रिंटर कर सी सिंपल ऑपरेशन है। अगला हाँ सही किता हो रहा है कमेंट करके बताओ भी फटाफट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन ये पेपर काफी इजी है देखो तीन को गैप वो बच्चों भी सही कर रहा है कि तीन को गैप पांच को सात को नौ को ग्यारह को फिर तेरह को फिर पंद्रह को तो क्यों क्यों आगे कितना उसी 85 15 जुड़ जी 100 और मैं बार बार क्लास के माइंड भी बता दो जब भी ई टाइप को गैप हुआ ना पबिन और के तरीको बना सका कोई कमेंट करके बता सके ठीक है बाद में बता दिया। हाँ नब्बे क्वेश्चन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कला पावर पॉइंट में किए स्लाइड हुआ सिंपल सी बात है और सके थोड़ा सा ध्यान भी रखो डॉक्यूमेंट क्या हुआ वर्ल्ड का माइंड हुआ सीट क्या माइंड हुआ एक्सेल का माइंड हुआ बाण में आजो कोई सार्वत्रिक दत्ता सार्वत्रिक ग्राही भाई क्वेश्चन सेम रिलेटेड ठीक है यदि एक व्यक्ति का रक्त ए बी माइनस है तो कौन उसे रक्त दान कर सकता है तो ए माइनस कर सके बी माइनस कर सके ओ नेगेटिव कर सके और ए बी माइनस कर सके ऐसा रहे रक्त दान कर सके। फिर उसके बाद में फिशर ट्रॉप संश्लेषण में काम आने वाले मुख्य प्रेरक देखो फिशर ट्रॉप के माइन सारा ही काम आवे लो भी काम आवे रुथेनियम भी काम आवे कोबाल्ट भी काम आवे तो इनके उसी दिए गए सभी ठीक है देखो
इसके अंदर एक कूट भाषा में डी ई बी टी ओ आर को डी जी एफ टी लिखा हुआ है। इसका सीधा मैं आंसर ही बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा। इसमें क्रॉस रिलेशन है इस तरीके से, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट, आप प्रश्न मैथ में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में कोई सो भी क्वेश्चन डिलीट होने वाला को नहीं है, सारा सही है, कोई गलती को नहीं है। खटाई, एक पुत्र है, उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है ना, एक की एक्स मान लिया, एक की चार एक्स मान लिया, एक की एक्स होगी, दूसरे की चार एक्स होगी, उनकी आयु का गुणनफल 196 है ना, एक्स इंटू चार एक्स बराबर 196 हो गया है ना, एक्स स्क्वायर को मान चार को भाग लगा दियो, 4 × 16 = 9 × 36, एक्स को मान की तो आ गया 7, ठीक है, 7 रख दियो, 7 और 28 आगे आएंगी आयु। लेकिन 5 वर्ष बाद में अनुपात पूछे, 5 जोड़ से कितना 12 और 33, अनुपात सोल्व कर लियो जना कितना आ गयो, 4:11, 4:11 सी ऑप्शन में है, ये अपना सही हो गया। 99 सिंपल क्वेश्चन है, देखो सर्वांग समता के नियम को है, बहुत ही बढ़िया एकदम सोर सोर क्वेश्चन है। ए दो त्रिभुज बना लियो, एक त्रिभुजो बना लियो, एक त्रिभुजो बना लियो, और ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इनको नाम है पी क्यू आर। अब ध्यान रखा, जो सीक्वेंस यहां पर है जैसे ए बी, तो यहाँ पे पी क्यू, तो ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, ये ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर दे रखी है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है। उसके बाद देखो BC, BC किसके बराबर होगी, RQ के बराबर, BC किसके बराबर होगी, RQ के बराबर, तो ये भी इसमें दे रखा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में AC किसके बराबर होगी, PR, AC और PR बराबर होगी, बच्चा कौन, D, PC बराबर PQ नहीं हो सकती सर्वांग समता के हिसाब से। SDRAM, सिंपल सो है, सिंक्रोनस, देखो इनको कई नाम लोग निकाल ले, सीरियल बोलते हैं, स्टेट डायनेमिक बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, लेकिन SDRAM का सही नाम क्या है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, तो इसका आंसर क्या हो गया आपने, डी ऑप्शन हो गया, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। उसके बाद में रिएम्बर्स, रिएम्बर्स के लिए देखो, रिएम्बर्स था के उसिंग माइन, रिएम्बर्स के लिए हो गया प्रतिपूर्ति, ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिपूर्ति, 105। पंद्रह संख्याओं का औसत 40 है, उसमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 8 को औसत 30 है जना, योगफल कितना हो गया 8 × 40 = 240, और अंतिम 8 को 50 है जना, 8 × 5 = 200, और कितना हो गया टोटल 200, 440 टोटल आंगो योगफल आ गया, कितना 8 × 8 = 16 संख्या को। अब बीच में कौन है, 15वीं बीच में जो की नवी संख्या है, ठीक है, 8 इन्हें 8 इन्हें, ना आप 15 संख्या को औसत आप घटा दे ना, 15 × 60, 8 1 मिनट 1 मिनट, स्लो चला है सिस्टम हमारे, देखो दोबारा बता दू, 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, तो 8 का औसत 30 है, तो उनका योगफल कितना हो गया, 8 × 16 = 8 × 24 = 240, ये इनका योगफल हो गया 240, ठीक है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 50, तो इनका योगफल कितना हो गया 400, ठीक है, 400, तो इन सब का योगफल कितना हो गया 640, और 15 × 40 गुणा कर सकते कितना 800, बाकी संख्या कितनी बचगी 40, तो आंसर सी हो गया 40 आप, ठीक है। नेक्स्ट, भी आ गया क्वेश्चन, एक सीधी रेखा पर आसन कोण, सीधी रेखा मतलब रेखीय युग्म की बात कर रहे हैं, रेखीय युग्म पर अधोन्मासन कोण हो गया, 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, तो 5:4 रेखीय ई प्रबणसी किता कोण 180 डिग्री को कोण बने, ना 9 के को मान कितो गयो 180 जना, के को मान कितो आ गयो 20 डिग्री, 20 डिग्री आ गयो जना, बड़ो कोण तो हो गयो 100 डिग्री, छोटो कोण हो गयो 80 डिग्री, सही आंसर हो गयो 80 डिग्री। नेक्स्ट, कल सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था ये सेम इसी टाइप का, 8 कीवी ₹40 में बेचकर जाना, 1 कीवी का कितना रुपया हो गया 5 रुपया, ठीक है, मैं नहीं यहां लिख दू 40/8 पहला विक्रय मूल्य, ठीक है, उसी आधार पे कराए हुए पहला विक्रय मूल्य दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, फिर ₹30 में कितनी कीवी अपना एक्स मान लिया, ठीक है, पहली स्थिति के अंदर 20% को नुकसान जना 80 लिख दिया, दूसरी में 120 लिख दिया, जगह जगह मेरी क्लास ले रखी है, ध्यान है तरीको समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो इनको गुणा कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो 30/x × 80 बराबर हो गया 40/8, सीधा 5 लिख देता हूं, 5 × 120, ठीक है, 30 को 120 से काट दिया 4, 4 × 5 = 20, 20 ये इससे कट गया 4 बार, तो 4/x = 1 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 4,
डी इसका आंसर हो गया x बराबर 4। ठीक है 110 इसमें चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है इसका अपने को इसमें बताया है 110 में क्या आंसर है, क्या इसमें पूछा है नियरेस्ट इन मतलब सिनोनिमस टाइप का पूछा है। ठीक है तो हार्मफुल इसका बताया गया आपने 110 के बाद में। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम पूरा नाम भी याद होना चाहिए उसके 11 तारीख में जगह पेपर उसी बिग माइंड वही नाम पूछ लिया NTFS का फुल फॉर्म क्या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है और फैट का सिंपल फाइल एलोकेशन टेबल हो गया। ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया NTFS। उसके बाद में अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु नहीं बोल के अपन ने थोड़ा सेमीकंडक्टर बोलते तो ज्यादा बढ़िया रहता लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो दो सेमीकंडक्टर होते हैं अपने कौन कौन सी एक तो सिलिकन होता है और एक जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम ऑप्शन में नहीं है सिलिकन जर्मेनियम भी हमें महंगी पड़े सिलिकन सस्ती हुए जनरली यूज किसी हुए सिलिकन यूज हुए। सिंपल वापिस ₹78,000 छह से 2/3% की दर 20/300 हो गयो 20/300 की दर। ठीक है 9 × 9/12 इनहल कर लियो इनहल कर ताजी सी 3900। ठीक है नेक्स्ट हाँ सही हो रहा है क्या गणित का वो सागर छोरो राम राम। देखो इसके अंदर ये बोला गया कि इस आकृति को रोटेट करना है मतलब या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। रोटेट करना है रिंग माइनू किसी बन सके और किसी नहीं बन सके हम तीन आकृति है जगह बन सके एक है जगह कौन बन सके तो सीधो मैं उत्तर पर ही आ जाऊंगी। मैं देखो सी को अंदर देखो इसको इधर घुमाएंगे तो ये जो निशान है वो कैसे होना चाहिए इस टाइप से होना चाहिए इधर जबकि इसमें क्या है इधर दे रखा है तो इसका आंसर क्या है सी इसके रोटेशन से नहीं बन सकता इसके अंदर। 18 हाँ देखो फिल इन द करेक्ट वर्ड बताना आपन बोथ मानसी एंड मिली नोड नो नोज नोविंग तो सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट को एग्जांपल है और दो जावे बोथ लाग गयो सागे जना प्लूरल यूज हो गयो जना एस या ईएस कौन लागे सी तो की आसी नो आज इसी तो आंसर क्यों हो गयो इनको नो आंसर हो गया नो अपने पास। अगला 100 हाँ ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है सीलिएक रोग। ठीक है इसका आंसर क्या हो गया सीलिएक रोग से हो गया। नेक्स्ट 100 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट आ रही है इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रही है पैसिव वॉइस आ रही है। ठीक है तो इसके अंदर देखो ही सेड टू हर इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस तो इसके अंदर अपने को बताया गया है सी ऑप्शन इसका सही है सी। ही सेड दैट इफ व्हाट सी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। The फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन हो सीधी से सिंपल है जॉन मकार्थी। ठीक है जॉन मकार्थी। उसके बाद नेक्स्ट है 23, 30, 57, 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ऑप्शन उकर के देख लो सो इजी है छह इंगो आंसर है। ठीक है 128 एक धातु जो एक ना भी कार्बोनिल नहीं बनाती है। ठीक है वो आंसर हो जिसी बी 130 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ठीक है तो इसके अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो दे गेव हर ए क्लॉक तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे सी वाज गिवन ए क्लॉक तो पास्ट इंडेफिनेट को एग्जांपल है। ठीक है गेव आ गयो पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकना वाज लगावा 32 ठीक है
यदि निम्नलिखित शब्दों में वर्णन क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? सिंपल लिखना है तो बच्चों भी सही कर रहा, क्यों चेक, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया? चेक, सीधा ही बता रहा हूं, कोई भी कर सके इन सिंपल सॉल्यूशन। हाँ, कल से लगेगी ऑफलाइन क्लास 34। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अभी पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बच्ची के अठा एक्स स्क्वायर बच सी अठा पांच एक्स बच सी अठा छह आसी, ठीक है। अभी पहले इस ऑप्शन देखो, अठा सारा प्लस है नहीं, एक बार थोड़ा मतलब ऑप्शन तो देखा, एक्स स्क्वायर बार आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बार आएगी तो नहीं, आ दो का माइनस। अब चलो अठा सगला प्लस है, बी ऑप्शन में तो प्लस है, और क्या प्लस कोई नहीं, बस उत्तर हो गयो। Fill in the blank with the correct determiner, ठीक है? Choosing from the option below, there is milk in the glass, you can use it to make tea. तो इसमें क्या आ जाएगा? जब पर्याप्त मात्रा कोई चीज की वह, जना कि आवाज़ ऑप्शन आपने a little, ठीक है? ऑप्शन क्या आता है? a little, जब उसमें पर्याप्त मात्रा का पाचा बना सका, एक छह मीटर ऊंचा, देखो ऊंचो पाचो आ गयो, और छह मीटर ऊंचो और दो रूट तीन, टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ये कट गया दो इससे तीन बार, ऊपर आ गया रूट तीन, रूट तीन की वैल्यू है 60 डिग्री, डी 60 डिग्री। सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा पार्कर सोलर एक दो में नाम है, पार्कर सोलर प्रोब और हॉकिंग सोलर प्रोब, तो इसमें सही आंसर क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। देखो हाँ, इसमें सही आंसर हो जाएगा ये बी। इसमें देखो यहां पे बी मतलब तीन तीन के जोड़े बनेंगे, ये ठीक है। तो बी 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 एक दो तीन चार पांच, पांच बार बी और दो बार ये ए आ जाएगा, यहां पर भी ए आ जाएगा। पैंतालीस, देखो पैंतालीस सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कोई सूचियों में डाटा बदला जाता है तो सभी सूचियां अपडेट नहीं होती ना। देखो अगर डाटा रिपीट हुए तो बिन तो बोला रिडंडेंसी, ठीक है, और जब डाटा कटी अपडेट नहीं हो रही है तो बिन बोली जाए इनकंसिस्टेंसी, तो डाटा इनकंसिस्टेंसी इसका आंसर हो जाएगा। पैंतालीस सिंपल प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, कितनी दूर देख सका आप? बहुत सारी दूर। अब बहुत को के डेफिनेशन है, कोई नाप को नहीं हुआ, नाप को नहीं हुआ, जना बिना पा के बोला अनंत बोला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनंत, तो अनंत पर हो गया इसमें। एक सौ अड़तालीस इसमें देखो आपको बताया ही था मैडम ने, ये क्वेश्चन नंबर नहीं मिला था उस टाइम, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो अत्यंत गरीब होना, छप्पर मतलब छान तो बनेडी अरबी ऊपर फूस को छान क्या बालन जोगड़ी, अत्यंत गरीब होना, सिंपल सो क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप विद्यार्थियों कमेंट करके बताओ कितना सही हो रहा है, बताओ दिखाणी। हाँ, किसी की लगी क्लास है? देखो सारा का सारा क्वेश्चन मैराथन के अंदर हूं, मॉक टेस्ट हूं, मॉक टेस्ट ने भी पढ़न दो, मैराथन के अंदर हूं, मैराथन सारा कोर्स कंप्लीट कवर करे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है कहीं से इधर उधर से हो जाए, जैसे उसके अंदर आया था एक लाइन की डाल का क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने मॉक टेस्ट इसमें नहीं, तो मॉक टेस्ट में कवर किया और नहीं मैराथन में कवर किया, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड का ही नहीं था, स्टैंडर्ड कोई नहीं, अभी चीज ने क्यों कवर करा। अभी यहाँ कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी 99.99% सारे के सारे क्वेश्चन अपने मैराथन में से हैं, और अपनी मैराथन में से नहीं है तो कोई की किताब मुई कॉपी मुई को नहीं मांगे, नोट्स मुई को ला दे। तो मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ले आऊं। अब आगे अनुरोध है, 11 तारीख ने बाकी जगह बच्चों को पेपर बचे हुए, मैं मैराथन देख ले, चारों पेपर आगे सोल्यूशन देख ले, आऊं बारे की को नहीं आवा, आगे आसे पास क्वेश्चन आसी और 100% मांगो सिलेक्शन। अब जरूरी को नहीं, अब देखो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब लोग सोच रहे हैं कि फिर तो 11 वालों को ही सिलेक्शन होगा, 11 वालों को नहीं होगा, 11 वालों के दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा, पेपर तो उनके नंबर ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वहां पे स्केलिंग यूज होगी, और स्केलिंग यूज उसी जना फर्स्ट शिफ्ट आएगा भी नंबर बढ़ जैसी बोर्ड सैन्य लेवल पर ला के छोड़ सी, वो जो फायदो मिले 11 तारीख वो खाली 11 को मिले,
बन ठीक है पेपर को फायदो मिल जिसी थना गई स्केलिंग को फायदो मिल जिसी तो कुल मिला गई मैं टेंशन की जरूरत को नहीं फर्स्ट पारी वाला सोचा है कि मार तो नंबर कम बन सी अरे ग्यारह तो इतना फायदो मिल गया क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है मतलब एक तरीके से आउट टाइप को ही है पेपर भाई गणित रीजनिंग का माइंड तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन चल रहे हैं कोई फर्क ही नहीं आ रहा उनके अंदर विशेष ज्यादा तो डरने की बात नहीं है वहां पे स्केलिंग होगी स्केलिंग होने से जो पहली वाली पारियों के लोग हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है या ना सोचा कि मारो पहल पो तो खराब हो गयो बाकी लोगों को तो बहुत बढ़िया जा रही है पेपर भी टाइप को ही आ रही है समझ के भी ठीक है तो सभी को धन्यवाद कल 10 बजे से अपने ऑफलाइन बैच वापिस उसी जोश और जुनून के साथ स्टार्ट है धन्यवाद।